वर्ल्ड विजार्ड सॉल्यूशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बैटरी से चलती साइकिल जॉय ई बाइक नो आज रोज मेयर ना हस्ते लोकार्पण करवामां आव्युं हतुं। आज ना प्रदूषण भर्या वातावरण ने ध्यान में राखी ने वर्ल्ड विजार्ड सॉल्यूशन द्वारा बैटरी से चलती जॉय ई बाइक नामनी साइकिल तैयार करवामां आवी छे, जेनो लोकार्पण मेयर भरत डांगर ना हस्ते शहर की खानगी होटल खाते करवामां आव्युं हतुं। जॉय ई बाइक 12-40 किलोमीटर चाले छे अने तेनी बैटरी चार्जिंग करता 3-5 कलाक जेटलो समय लागे छे। जॉय ई बाइक विविध स्पीड अने कलर्स में उपलब्ध छे, जेनी किंमत 25-30 हजार छे। गरीब तेमज मध्यम वर्ग ना परिवारों ना बजेट ने ध्यान में राखीने तैयार करवामां आवेल जॉय ई बाइक ने एआरएआई नी मान्यता मळेल छे। ये इलेक्ट्रिक बाइसिकल है, ये नॉर्मल साइकिल जो होती है जो हमारे बच्चे या घर पे हमारी गृहिणी यूज करती है, ये वैसे ही है, लेकिन हमने इसको पावर किया हुआ है बैटरी और मोटर से, ताकि पेडलिंग, अगर पेडलिंग से कोई थक जाता है तो वो बैटरी का इस्तेमाल करके उसको चला सकता है। अगर ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली है, उसका रीज़न है कि इसके अंदर पोल्यूशन नहीं है, और सेकेंडली कोई भी ईंधन इसके अंदर यूज़ नहीं होता है, एंड अगेन कॉस्ट इफेक्टिव भी है। एक चार्ज करने पे ये 18-25 किलोमीटर तक ये जाती है। सर, इसमें खास करके इलेक्ट्रिक दूसरी भी बाइक से उसमें और इसमें क्या डिफरेंस? वो जो बाइक्स होती है वो एक स्कूटर की तरह होती है, अगर उसकी बैटरी डाउन होती है तो उसका ऑप्शन नहीं होता है, वो धक्का मार के ही आपको ले जानी पड़ेगी। लेकिन दिस इज़ अ नॉर्मल साइकिल, अगर इसकी बैटरी डाउन भी हो गई 18 किलोमीटर के बाद, स्टिल आप पेडल मार के आपके डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। हब मोटर है, ब्रशलेस मोटर, उसमें जो इसकी वाइंडिंग रोटर वाइंडिंग है, और जो स्टेटर है वो मैग्नेटिक पूरा है इसका। फोर पोल मोटर है और इसकी आरपीएम अराउंड जाती है 230 आरपीएम इसके मोटर की। और बैटरी है इसमें, हम यूज़ किए लीड एसिड, जो जेल वाली आती है एक्साइड की। सर, मार्केट में जो दूसरी जो इलेक्ट्रिक बाइक, उसमें इसकी प्राइस कम है या ज़्यादा है? कंपैरेटिवली हम लोग ने भी इसकी कमी रखी हुई है, इसमें ऑप्शंस रख रहे हैं। एक तो अभी लीड एसिड बैटरी का, लिथियम का भी, लिथियम भी आएगी फ्यूचर में। और ये लॉन्च हो चुकी, और कहाँ कहाँ लॉन्च हो चुकी है, और ये मिल रही है ऑल इंडिया मार्केट में? ऑल इंडिया अभी स्टार्ट हो जाएगी, ऑल ओवर इंडिया में।